नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है वेडिंग गेस्ट लुकबुक वीडियो। सो फॉर द पास्ट 3 मंथ्स आई हैव अटेंडेड 3 वेडिंग्स ऑलरेडी। वन वाज इन अलवर राजस्थान, मेरी बेस्ट फ्रेंड सुप्रिया की शादी थी वहाँ पे। आई हैव ऑल्सो पोस्टेड अ व्लॉग रिगार्डिंग इट, यू कैन गो वॉच द व्लॉग राइट हियर। इट्स अ स्वीट व्लॉग गाइस। आफ्टर दैट आई वेंट टू नरसिंहपुर मध्य प्रदेश टू अटेंड अनदर फ्रेंड्स वेडिंग। इट वॉज सिद्धांत एंड अभिलाषा वेडिंग। इट वॉज सो ब्यूटिफुल गाइज, इट वॉज अ लव मैरिज। एंड उसके बाद दिसंबर में आई अटेंडेड अनदर वेडिंग, that was my friend Drishti's wedding। जो मैंने ब्राइडल मेकअप हॉल वीडियो किया था ना प्रीवियसली, उसमें आपने देखा होगा दृष्टि को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि पहले ये सारे वेडिंग्स खत्म हो जाने दो, उसके बाद आई विल शूट माई आउटफिट वीडियो। तो ये तीनों वेडिंग्स जो मैंने अटेंड की थी, उसमें से जो सुप्रिया की वेडिंग और सिद्धांत और अभिलाषा की जो वेडिंग थी, उनमें जो आउटफिट्स मैंने पहना था, जो डिज़ाइन किया था और खुद को जो स्टाइल किया था मैंने और मेरी बहन ने मिलके, वो मैं आपको दिखाऊंगी एक्सेप्ट फॉर दृष्टिस वेडिंग, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ हटके प्लान किया था, कुछ हटके सोचा था दैट आई विल रीच आउट टू अ डिज़ाइनर, आई विल पिक सम डिज़ाइनर आउटफिट एंड देन आई विल वॉर डिज़ाइनर आउटफिट फॉर हर वेडिंग। सो येस, दिस इज गोइंग टू बी अनदर पार्ट ऑफ दिस वेडिंग गेस्ट लुकबुक वीडियो। सो बहुत ज़्यादा ब्लैबर मैंने कर लिया है, विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो ऑलरेडी। I definitely feel yellow and blue goes well together and brocade material, especially for wedding functions, can never go out of style. So I already own this skirt. This is my sister's skirt, but mere height ke hisab se kafi chota tha. So we extended the length of the skirt by adding some lace works and details in the bottom, and then it was just perfect for my height. Ab is skirt ke saath jo maine brocade material sequin fabric ka top pair kiya hai, this is designed by me. I got the inspiration through Pinterest and numerous pictures that I found online. I just asked my tailor to stitch it the way I want it. So top ka jo body part hai that is covering most of my chest area, this is brocade material, aur niche jo maine frills add karwaye hain anarkali style mein, this is net and sequin material. Ye material isliye choose kiya because iska fall kafi acha hota hai, lightweight material hota hai and thoda sa see through bhi hota hai, so you can actually see the skirt. Jab aapko film karne wala koi na ho to aap aise shorts dete ho. एनीवेज, सो मेरे टेलर ने आपने देखा थोड़ा सा डीप गला बना दिया था एंड आई वॉज लाइक अब क्या करें, कुछ अजीब सा लग रहा है। सो आई आस्क्ड माय सिस्टर टू ऐड दैट गोल्ड लेस इन द नेक एंड देन वी वर ऑल सॉर्टेड टू एक्सेसराइज द एंटायर लुक। आई एम वेयरिंग महारानी स्टाइल ज्वेलरी, जस्ट दिस नेकलेस, दिस इज बाय जवेरी पर्ल्स, दिस इज माई मदर्स। आप डीप नेक के साथ या तो चोकर पहन सकते हो या फिर लॉन्ग नेकलेसेस पहन सकते हो, दैट रियली लुक्स गुड। अब इस पूरे लुक के साथ मैं सिक्वेन गोल्डन दुपट्टा पहनना चाहती थी या फिर चंदेरी मटेरियल ब्लू कलर का दुपट्टा, बट वो हमें मिला नहीं एंड दिस वॉज सो लास्ट minute that we designed and made this outfit for my friend's sangeet ceremony. So maine kya kiya, I already had this mustard color ka dupatta with me, so iska jo pattern hai wo kafi similar hai skirt se milta julta hai, to maine socha ki theek hai, let's just pair all this together and I think the look turned out pretty good. सो हियर मी आउट, ओके, दिस साड़ी इज क्रेप सिल्क मटेरियल, तभी इसमें इतना शाइन है एंड इट हैज़ ओमरे पैटर्न टू इट एंड द डिज़ाइन, इट हैज़ अ सिक्वन डिज़ाइन ऑल ओवर द साड़ी एंड ऑल्सो द ब्लाउज। सो दिस इज अ डिज़ाइनर साड़ी दैट आई बॉट फ्रॉम अ लोकल शॉप बहुरानी। यू माइट हैव सीन द व्लॉग ऑफ मी परचेसिंग दिस साड़ी, दिस वॉज माई मदर्स चॉइस। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ रेगुलर पैटर्न एंड डिज़ाइन फॉर द ब्लाउज, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड ट्रेंडी। सो आई गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द सव्यसाची इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पर मैंने बहुत सर्च किया एंड देन आई गॉट द इंस्पिरेशन फॉर द ब्लाउज फॉर दिस एंटायर लुक दैट आई क्रिएटेड एंड आई वॉज रियली हैप्पी द वे इट टर्नड आउट एंड आई हैव ऑलरेडी डन द मेकअप ट्यूटोरियल फॉर दिस मेकअप लुक दैट आई एम वेयरिंग। इट इज अ बिट डिफरेंट देन द एक्चुअल मेकअप दैट आई वॉर दैट डे एंड आई मेड अ स्लीक लो बन विच इज सो इन राइट नाउ एंड टू एक्सेसराइज द एंटायर लुक आई एम वेयरिंग दिस चोकर विच इज बाय वॉयला एंड दिस इयरिंग्स आर फ्रॉम अ लोकल शॉप गहना एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग माई डैनियल विलिंगटन वॉच। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डैनियल विलिंगटन बट आई वुड हैव रियली लव्ड इट इफ दे वुड हैव स्पॉन्सर्ड इट। Anyways, you know, not everybody can pull off deep neck blouses and this look is not for everyone, but I was so comfortable and really confident in this entire look and felt like a million dollar for sure. I also like the back of it, it's designer. So मैंने अपने टेलर को बताया था कि जितना डीप कट आगे रहेगा उतना पीछे भी रहेगा। If you want to see how I designed and tailor made this Sabyasachi inspired blouse, then do let me know in the comment section below. So I bought this kurta very randomly from Max Fashion. This is a velvet material kurta. It has sequin work all over it. और मैंने जानबूझ के एक साइज बड़ा लिया था क्योंकि लूजी पूजी कुर्ता भी काफी अच्छा लगता है कि अगर आप उसे राइट तरीके से स्टाइल करोगे तो वो अच्छा लगता है। सो टू कम्प्लीट दी एंटायर लुक आई पेयर्ड माई वेलवेट कुर्ता विद सिक्वेन नेट मटेरियल दुपट्टा। इस दुपट्टे के थ्रू यू कैन एक्चुअली सी द वेलवेट कुर्ता एंड मटेरियल ऑफ द कुर्ता एंड पैटर्न एंड स्टाइल ऑफ द कुर्ता विच एक्चुअली लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एंड आई ऑलरेडी हैड दिस वाइट प्लाजो मेरे वार्डरोब में जिसमें जो कोटा
Ganapati work hai, it is like rose gold work. So it was kind of bringing the entire look all together. And to accessorize the entire look, I was wearing stud earrings. I also added nose pin. This is a fake nose pin. I've been using this for years now. This is by AGS. The quality kafi acha is nose pin ka. I also added a bindi and lipstick that matches with my dupatta, a pink lipstick. And with that, I completed the entire look. Red and pink is so on trend and main bahut time se soch rahi thi that I'm gonna wear red and pink this wedding season, and I finally got the chance to do that because of this skirt that I already owned. This is a lehriya skirt that I bought last year from Udaipur for a very affordable price. This is for 650 bucks only. So I designed this short kurta. I got the inspiration from Pinterest and Google again. Okay, let's just talk about the top even furthermore. This is going to be very interesting. The body part of the top, which covers the chest area, this is a light fabric brocade material. And to go with the brocade material, I was looking for something else, not a sequin net material, but something very light material. So I found this georgette material, like this is usually used for dupattas. So I asked my tailor to add some lace, which is red in color, so that that can match with the skirt of mine. And that's how I designed this top. It was so fun to see the end result after I designed it. I also bought this latkan separately for my skirt because skirt ke saath jo latkan aaya tha wo kuch acha sa nahi tha, and I really wanted something different for this. And to accessorize the entire look, I'm wearing this long studded jhumkas. I also wore a mang tika and nose pin and bindi. And with that, I completed the look. Alright guys, this is it for today's video. I really hope that you found this video helpful and informative and got some inspiration to style yourself this wedding season for your friend's wedding or ghar ka koi function ho uske liye. This wedding lookbook ka ek part 2 bhi aayega, so stay tuned for that. Now more of such content on my channel, please make sure you subscribe to my channel, hit the notification bell icon, like, comment, share this video with your friends and family aur jinke ghar mein shaadi hai unke ghar pe, and I'll see you all next time. Bye! Take care!